मैं अपने विपक्ष के साथियों की एक बात के लिए आज तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि वैसे तो वो सदन के नेता को नेता मानने को तैयार नहीं है, मेरे किसी भाषण को उन्होंने होने नहीं दिया है, लेकिन मैं मुझ में धैर्य भी है, सहन शक्ति भी है और जेल भी लेता हूं और वो थक भी जाते हैं। लेकिन एक बात के लिए मैं तारीफ करता हूं, सदन के नेता के नाते मैंने 2018 में उनको काम दिया था कि 2023 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर, और मेरी बात मानी उन्होंने। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि 18 के बाद 23 में 5 साल मिले थोड़ा अच्छा करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं, लेकिन तैयारी बिल्कुल नहीं थी, कोई इनोवेशन नहीं था, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, न मुद्दे खोज पा रहे थे। पता नहीं, ये देश को इन्होंने बहुत निराश किया है राष्ट्रपति। चलिए कोई बात नहीं, 2028 में मैं हम फिर से मौका दूंगा, लेकिन मैं इस बार उनसे आग्रह करता हूं कि जब 28 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हमारी सरकार के खिलाफ, थोड़ी तैयारी करके आइए, कुछ मुद्दे ढूंढ करके आइए, ऐसे क्या घिसी पिटी बातें लेकर के घूमते रहते हो। और देश की जनता को थोड़ा विश्वास इतना मेरे से कि चलो भाई आप विपक्ष के भी योग्य हो, इतना तो करो, आपने वो योग्यता भी खो दी है।